एवरीवन, दिस इज पलक मालवा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ में आज क्या शेयर करने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर से लाइक और कॉमेंट भी जरूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉस, जब भी हमें वेट लूज करना होता है, वेट लॉस करना होता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में चीज आती है कि हमें या तो जिम ज्वाइन करना होगा, या बहुत ही मतलब कीटो डाइट और मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना होगा, वर्कआउट काफी हैवी वर्कआउट करना होगा, तभी हमारा वेट लूज हो सकता है। मैंने ना कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है, ना ही कोई वर्कआउट किया है, ना ही कोई जिम किया है। इसके बावजूद भी मैंने ओनली 20 डेज में 5 kg लूज किया है। वो कैसे लूज किया है, वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। वेट लूज मैंने कैसे किया है? मैंने जो वेट लूज किया है वो किया है मैंने एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए। एंड ये जो हेल्दी डाइट मैंने फॉलो की है, ये मैंने एक डाइटिशियन की ली है। एंड इनका जो पेज है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, आप इनको DM कर सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, इनका इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान प्रोवाइड करेगी कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम खाना है, कितना खाना है, ऑल द थिंग्स आपको चीज़ें बिल्कुल मेंशन करेगी। एंड पर्सनली गाइस, आप इनकी डाइट को फॉलो कीजिए, मैंने खुद फॉलो किया है, मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने 20 डेज में 5 kg लूज किया है, जो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विदाउट जिम के, विदाउट वर्कआउट के, मैं इतना कम टाइम में 5 kg वेट लूज कर लूंगी। मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपके साथ में डिटेल में सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आपको भी अगर वेट लूज करना है तो इन्हें फॉलो करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ खाई है, क्या क्या चीज़ें मतलब किस किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें मैंने खाया है कि जिससे मुझे 20 डेज मेरा 5 kg लूज हुआ है। मैंने कोई भी ऐसा कुछ नहीं करा कि मैंने बिल्कुल पर्टिकुलर ये सब चीज़ें छोड़ दी, बिल्कुल कि खाना छोड़ दिया और दिन भर भूखे रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड डाइट ली है जिससे मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला है। और मैंने क्या क्या बंद करा है, मैंने शुगर पूरी टोटली बंद कर दी है, मैंने पैकेट फूड्स है वो टोटली बंद कर दिए, बट इन सब के बाद भी मैं वीक में एक आध बार मेरी चीट मील हो जाता था, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स तो चीट मील हो जाती है, तो वीक में एक आध बार मैं चीट मील कर लेती थी। बट डेली के हिसाब से मैं बिल्कुल भी अपने डाइट में शुगर बिल्कुल अवॉइड किया, मैंने पोटैटो अवॉइड किया, राइस भी मैंने खाया है डाइट में। ऐसा नहीं कि अगर मुझे बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट तो वाइट राइस नहीं खाया, मैंने राइस भी खाया है, मैंने रोटी भी खाई, सब कुछ खाते हुए मैंने वेट लूज किया है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मैं क्या क्या डाइट को फॉलो किया है। सबसे पहले मेरा जो होता था वो होता था मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं एक ग्लास लिक्विड वाटर लेती थी, हल्का गुनगुना पानी, उसमें एक चम्मच सोक्ड चिया सीड को ऐड करती थी और 1/2 lemon स्क्वीज करके इसे मैं, सबसे पहले मेरा जो ड्रिंक होता था वो यही होता था, इसे मैं पीती थी। देन उसके आधे से एक घंटे बाद मेरा होता था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी या तो ढोकला ले लिया ग्रीन चटनी के साथ, 1/2 apple उसमें ऐड कर लिया और कुछ सीड्स उसमें मिक्स कर लिए, लाइक पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड, ये सब मैं उसके साथ में ले लेती थी अगर ढोकला ले रही हूँ। सेकंड ऑप्शन है कि आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स के साथ 1/2 apple ले सकते हैं और उसके साथ आप चिया सीड्स को भी ऐड कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, उसके साथ में 1/2 banana ले सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, ओट्स का चीला ले सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, अगर आप चीला खा रहे हैं, छोटा बना रहे हो तो 2 quantity ले सकते हैं, और बड़ा बना रहे हो तो आपको 1 quantity लेना है। क्वांटिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके डाइट में, एंड टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइट में, अगर आपके वेट लूज में। अगर आप बिल्कुल एक ही टाइम पर सब पूरा डाइट लेंगे डेली, तो आपका वेट लूज बहुत जल्दी होने वाला है। देन आफ्टर, इसके बाद में जो मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक होता था वो होता था, या तो आप 1 glass छाछ ले सकते हैं बटर मिल्क, या फिर आप ले सकते हैं 1 glass सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं। सत्तू ड्रिंक बहुत सिंपल है बनाना, कुछ नहीं करना है आपको, 1 glass पानी में 1 chamach सत्तू ले लेना है, उसे मिक्स कर लेना, हल्का सा लेमन और आप सॉल्ट अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो ब्लैक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये होता था मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक। देन फिर बारी आती है हमारे लंच की। लंच में मैं लेती थी 2 multigrain रोटी विथ सब्जी एंड दाल विथ सैलेड, ऑप्शन वन ये है। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन ले सकते हैं विथ मल्टीग्रेन रोटी। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप ले सकते हैं मूंग दाल का चीला, या फिर आप ले सकते हैं
वाइट राइस विथ राजमा ग्रेवी या फिर वाइट राइस विथ छोला, इन सब में से कुछ भी एक ऑप्शन आप अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। सैलेड जरूर लीजिएगा। एंड वन थिंग और मैं आपको बताना भूल गई कि पूरे दिन में, दिन भर में आपको 3 लीटर पानी पीना है। और जो मैं दिन भर पानी पीती थी वो मैं लेती थी डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाती थी मैं रात को ही एक दो लीटर पानी के अंदर एक बीटरूट को ग्रेट कर लेती थी, उसमें हाफ लेमन स्क्वीज करके रात भर ऐसे छोड़ देती थी। देन नेक्स्ट डे मैं दिन भर यही पानी कंज्यूम करती थी। तो ये था डिटॉक्स वाटर जो कि आपको दिन भर लेना है, एटलीस्ट 3 लीटर वाटर आपको कंज्यूम करना है। देन हमारी हमारा लंच हो गया। लंच के बाद में, आधा घंटे बाद में आपको क्या ले लेना है, आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है एक ग्लास। देन उसमें 10 ml एप्पल साइडर विनेगर आपको ऐड कर लेना है और उसे आपको आधे घंटे बाद आपके खाने के पी लेना है। देन फिर बारी आती है हमारे इवनिंग स्नैक की। इस समय या तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं विथ 5 almonds या फिर 5 walnuts के साथ में, या फिर आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ में, या फिर आप रोस्टेड चना ले सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी के साथ में, या ब्लैक टी भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन से आपके इवनिंग स्नैक के। देन फिर बारी आती है हमारी लास्ट जो मील है हमारा, वो है डिनर। डिनर आपको मैक्सिमम 7 तक कंप्लीट करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 7:30 तक आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। डिनर में मैं मैक्सिमम लेती थी सूप लेती, टमाटो सूप, पम्पकिन टमाटो सूप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं ग्रिल चिकन या फिर ग्रिल फिश भी ले सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल दलिया भी इंक्लूड कर सकते हैं, मूंग दाल सूप ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके साथ डिनर में, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने डिनर के लिए। देन आफ्टर डिनर, डिनर के आधे घंटे बाद आपको ले लेना है एक टी जो कि आपको बनानी है। एक ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको जिंजर और जीरा और अजवाइन ऐड करना है, इसे अच्छे से बॉयल करना है। देन स्ट्रेन करके हल्का सा गुनगुना ही आपको इसे पी लेना है। डाइट प्लान अब ये शेयर किया है मैंने, इसे डेली फॉलो किया है एंड आई गेट अ वेरी 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 अमेजिंग रिजल्ट। इनफैक्ट मैं कुछ शॉक हूँ कि 20 days में 5 kg मैंने बिना वर्कआउट के, बिना जिम के, बिना डाइटिंग के कैसे लूज किया। बिकॉज इन सब इस डाइट को फॉलो करते हुए मैंने काफ़ी चीट मील्स की है, नो डाउट मैंने काफ़ी चीट मील्स की है। हर वीक में मतलब चीट मील हो ही जाती थी मुझसे, उसके बावजूद भी मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं वेट लूज करना तो इस हेल्दी और बैलेंस डाइट को जरूर फॉलो कीजिए, जरूर यूज कीजिए और आपको भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है डाइटिशियन का अपनी, एंड इंस्टाग्राम पेज भी उनका मैंने मेंशन किया है, आप उनसे जाकर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत अमेजिंग वाली डाइट प्रोवाइड करने वाली है एंड यू डेफिनेटली गेट अ वेरी अमेजिंग रिजल्ट। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंड कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं वेट लॉस से रिलेटेड और वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली बिल्कुल डिटेल में कि मैं हर वीक भी क्या खा रही हूँ मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड आप भी पा सकते हैं बहुत अमेजिंग वेट लॉस विदाउट वर्कआउट एंड विदाउट एनी डाइटिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।